बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। स्टीम कोरमा मैं आज लोग आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ीरा डाल चुकी हूँ 1 टेबल स्पून, काली मिर्च जो है मोटी वाली 1 टेबल स्पून, धनिया 1 टेबल स्पून, ये फ्राई पैन में डाल रही हूँ मैं। अजवाइन 1 चुटकी मैं डाल चुकी हूँ और इसे अच्छी तरीके से 1 मिनट के लिए मैं जो है ना रोस्ट करूँगी। और आपकी जो चूल्हा है वो बिल्कुल लो फ्लेम पर होना चाहिए, वरना जल जाएगा, इतना मज़ा नहीं आएगा, आपको जायका नहीं आएगा। और इसका पाउडर बना लेना है, मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, पाउडर बना लिया। अब यहाँ पे जो है 1 किलो मैंने चिकन ली हुई है, उसके अच्छे से जो है ना मैं कट कर लूँगी हर जगह से, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये रेसिपी जो है वो स्टीम कोरमा बनाने की है। स्टीम कोरमा जो है वो होटल्स में बहुत ही ज़्यादा मशहूर होता है, तो मतलब सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बहुत सारी। अब यहाँ पर जो है सिरका में जो है 1 कप के बराबर मैंने सिरका इसमें ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। पूरे 1 किलो चिकन को मैंने अच्छे से जो है ना कट करके फिर किया है। ये पानी जो है 2 से 3 कप जो है आपने इसमें पानी ऐड करना है, इतना पानी ऐड करना है कि ये सारी बोटियाँ जो हैं वो जज्ब हो जाएं। और आधे घंटे के लिए इस पानी में इन बोटियों को मुझे छोड़ देना है, यानी पूरे 1 किलो को मुझे 1 किलो मतलब आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। और आप देख सकते हैं ये जो मैंने पाउडर बनाया था वो मैं इसमें आप ऐड कर रही हूँ। सारा पानी मैंने निकाल दिया है। लाल मिर्च जो है वो मैंने डाली है 1 टेबल स्पून, नमक जो है वो मैंने मतलब आप जो हसबे ज़रूरत डाल सकते हैं वो डाल लें, चाट मसाला 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। और लेमन यानी 2 मीडियम साइज़ के जो है लीमू मैंने जो है इसमें रस डाला है। ये देखिए कितने रसीले हैं। अगर आपके लीमू में रस नहीं है तो आप 2 से 3 भी कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। दही जो है वो मैंने 1 कप के बराबर दही लिया है। और दही के बाद ऑरेंज फूड कलर जो होता है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, आप देख सकते हैं। और इन सबको अच्छी तरीके से मैं हाथों की मदद से जो है मिक्स कर लूँगी। आप भी कोशिश करिएगा, हाथों की मदद से अच्छा मिक्स होता है और बोटियों के अंदर तक जो है मसाला चला जाता है। तो आप भी कोशिश करिएगा कि मतलब हाथों से ही इसको जो है ना अच्छे तरीके से मेल्ट करें। 2 से 3 घंटे के लिए मैंने जो शॉपर करके रख दिया है इसको। और यहाँ पर मैं फ्राई पैन में ऑयल जो है 1 कप जो है वो मैं ऑयल डाल चुकी हूँ। प्याज मैंने जो है 2 मीडियम साइज़ के जो मैंने प्याज लिए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए, ये देखिए। और इन्हें ब्राउन करने तक मैं अच्छी तरीके से पकाऊंगी। और यहाँ पे मैं टमाटर ले रही हूँ, 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, जो गोल कटिंग करके मैंने इस तरीके से जैसे हम सैलेड बनाते हैं ना उसी तरीके से मैंने बना लिया है। 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख दिया है मैंने। अब आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कि हमारे जो है टमाटर भी नरम हो चुके हैं और प्याज भी गोल्डन हो के अच्छा सा कलर दे दिया है प्याजों ने भी। तो ये मैं अच्छी तरीके से इसे जो है ना भून रही हूँ। और भूनने के बाद अब आप देख सकते हैं सारा का सारा जो चिकन है मेरे पास जो 3 से 4 घंटे के लिए मैंने जो रखा था, अब यहाँ पर मैंने इसमें जो है ना ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर मैं इसे पकने दूँगी। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मसाला जो रह गया था बोटियों का मेरे पास एक बर्तन में है। और आफ्टर 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि मैं साइडें इसकी चेंज कर रही हूँ, आपने भी इसकी साइडें चेंज करनी है अच्छे से, ये देखिए भैया। उसके बाद जो है बचा हुआ जो मसाला था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और ऐड करने के बाद 1 कप पानी जो है वो भी मैंने ऊपर से ऐड कर दिया इसके अंदर। और अब आप देख सकते हैं मैंने वापस से ढक्कन जो है वो ढक दिया है, आपने भी ऐसे ही करना है। अब आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पानी जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, तो मैं इसकी जो साइडें हैं वो चेंज करती जाऊंगी ताकि अच्छे से ये जो है ना कुक हो जाए, पक जाए, कोई इशू ना हो, कोई मसला ना हो। इस तरीके से मैं सारी साइडें जो है ना 5-5 मिनट के बाद इसको चेंज करती रहूँगी। ये देखिए फिर से मैंने इसे जो है ढक दिया है, फिर 5 मिनट के बाद मैं इसे खोलूँगी। और ये सब्ज़ मिर्च जो है वो 3 से 4 जो है वो अच्छे तरीके से आपने बड़ी वाली लेनी है और इसको बीच में से काट के इसी तरीके से आपने ऐड कर देना है। यहाँ पे मैं जो है ग्रेवी के लिए यानी कोरमा है तो थोड़ा सा ग्रेवी भी होना चाहिए, इस वजह से पानी डाला है। कोरिएंडर, अदरक, लहसुन ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी है। और जो है मतलब एक अच्छा सा बारबेक्यू टेस्ट देने के लिए मैंने कोयला जो है वो इसमें डाल दिया है, गर्म कोयला। और कोयले के बाद जो है अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भी मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया ताकि अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और ऊपर से जो है 2-3 मिनट के जो ऑयल के डाल दिए ताकि अच्छे से धुआं दे दे। और 5 मिनट के लिए मैं उसे छोड़ दूंगी। 5 मिनट बाद मैंने निकाल लिया है और आपका जो है स्टीम कोरमा जो है बिल्कुल रेडी है। तो लाइक ज़रूर करिएगा।
इसी तरीके से अच्छी अच्छी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरे पेज से अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक फॉलो जरूर करिएगा और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।